आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ग्वालियर के हजार बिस्तर वाले अस्पताल परिसर में सुबह एक बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह मजदूरों ने जब परिसर में बच्चे की छत विषत लाश को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना अपने ठेकेदार को दी। पुलिस ने मौके पर आकर बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया और उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। बिना कपड़ों के इस बच्चे को कड़कड़ाती ठंड में किसने फेंका है, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। करीब एक से डेढ़ महीने के बीच की उम्र वाले इस बच्चे के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके एक हाथ में नीडल जरूर लगी हुई थी। इससे यह पता चल रहा है कि बच्चा इलाजरत था। आज सुबह सूचना मिली कि जो 1000 बिस्तर वाला निर्माणाधीन जो कमला राजा हॉस्पिटल है, वहाँ एक नवजात शिशु का शव मिला है। उस जैसे ही सूचना मिली, तत्काल यहाँ से रवाना होकर शव को मॉर्चरी पहुँचाया गया। पोस्टमार्टम हेतु एवं उसके परिजनों की जांच हो रही है। हाँ, वो उसको जांच में है वो, और PM हेतु उसको मॉर्चरी पहुँचाया गया। उसके परिजनों की जाँच चल रही है, पतारसी हो रही है। अस्पताल कंपू स्थित ग्वालियर पाटरीज के परिसर में बनाया जा रहा है। यहाँ आसपास सरकारी और निजी कई नर्सिंग होम और अस्पताल संचालित हैं। बच्चा इलाजरत था, उसे इलाज के दौरान यहाँ फेंका गया है अथवा मौत के बाद, इसे लेकर पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है। अस्पताल के आसपास के सभी नर्सिंग होम से जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है। आसपास के CCTV कैमरों की भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल कंपू पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में एंटी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिटी सेंटर स्थित ला सफायर होटल में पिछले दिनों प्रशासन ने तोड़फोड़ की थी, जो भू माफिया राजू कुकरेजा और ललित नागपाल का था। लेकिन उस समय संसाधन कम होने से पूरी बिल्डिंग धराशायी नहीं हो पाई थी, जिसे बारूदी विस्फोट से उड़ाया जाना था। लेकिन करीब 10 दिन बाद भी प्रशासन जब विस्फोट की टीम को नहीं बुला पाई तो बिल्डर ने गुपचुप तरीके से करीब आधा दर्जन मजदूरों को लगाकर बिल्डिंग में लगी लिफ्ट निकालने की कोशिश शुरू कर दी। लिफ्ट निकालने के दौरान अचानक लिफ्ट को खींचने वाला रस्सा टूट गया और कुछ मजदूर 5वीं मंजिल से नीचे गिर गए, जिसमें राजू विश्वकर्मा नाम का मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे भू माफिया ने इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। रस्सी टूट गई, चैन पुली होती है अपनी। अच्छा, चैन पुली रहती है अपनी। कितने मजदूर घायल हुए कुल? हमें ही ज्यादा है चोट। कितने लोग थे? पाँच। कितनी ऊंचाई से गिरे थे? 8 मंजिल से। 5 मंजिल से? 8। कहाँ लगी आपकी चोट? ये हाथ में। खबर मिलने पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और घायल मजदूर से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक बिल्डर मजदूरों से जब लिफ्ट निकलवा रहा था, उस दौरान लिफ्ट गिर गई और यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक मामले की विवेचना की जा रही है और जल्द आरोपियों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करेगी। ये के सूचना प्राप्त हुई थी तो इस पर हमने वहाँ जो है उसके बयान लेने के लिए पुलिस के ASI को भेजा है। उसमें MLC प्राप्त करके वैधानिक कार्रवाई की जाए। लापरवाही पूर्ण कार्य है, इसलिए उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसका एक हाथ फेंक चोट है। शातिर अपराधी जमाल उर्फ करुआ को ग्वालियर पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली लगने से घायल आरोपी जमाल को ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आरोपी ने बहोड़पुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर इलाके में एक बुजुर्ग महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी बुजुर्ग महिला की हत्या में वांटेड रहा है। कुख्यात अपराधी जमाल पर पुलिस की ओर से 30,000 का इनाम घोषित था। जमाल को गिरफ्तार कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी संदेश पद यात्रा निकाली गई। यात्रा शहडोल, रीवा, सतना, जबलपुर, छतरपुर आदि जिलों से होते हुए सिवनी के विधानसभा लखनऊ में पहुंची, जहां इस पद यात्रा का स्वागत जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया और शहर में भ्रमण कर गांधी जी के संदेश को बताया गया। इस दौरान यात्रा के साथ कांग्रेस के जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रतिनिधि ने बताया कि पदयात्रा देश में सांप्रदायिक सद्भावना, अखंडता एवं संविधान की रक्षा हेतु निकाली गई है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल एक ही है, भाई को भाई से जोड़ो, पड़ोसी को पड़ोसी से जोड़ो, देश में नफरत की जो आंधी चल रही है उसको खत्म करो, जो देश में डर का माहौल फैलाया जा रहा है उसको खत्म करो, गांव को गांव से जोड़ो, जो लोगों के बीच में आग जलाई जा रही है उस आग को बुझाओ। इस गांधी संदेश यात्रा का एक ही केवल उद्देश्य है और एक ही मात्र उद्देश्य है, जहां जहां से हम लोग आ रहे हैं, बरगी, धूमा और अभी लखनऊ दून, जहां जहां भी रुक रहे हैं, लोगों में प्रेम और स्नेह की जो ज्वाला दिख रही है वो शायद मैंने कभी नहीं देखी। मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि लोगों के मन में महात्मा गांधी जी के प्रति इतना स्नेह और इतना त्याग की भावना है।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की इस गांधी संदेश पद यात्रा पर बीजेपी प्रवक्ता ने निशाना साधते हुए कहा कि इस यात्रा के निकालने से पहले कांग्रेस को वचन पत्र में किए वादों को पूरा करना चाहिए। प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, कर्मचारी अधिकारी परेशान है, कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। हर पार्टी संगठन की अपनी यात्रा होती है, उस विषय में मैं ज़्यादा कुछ कहना तो नहीं चाहता, मगर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये गांधी संदेश यात्रा वो निकाल रहे हैं ठीक है, मगर उसके साथ साथ उन्होंने उन्हें वचन पत्र पूर्ण करने का कार्य जो करना था वो कार्य आज तक उन्होंने नहीं किया। उस यात्रा को प्रारंभ इनको करना था, वो यात्रा इन्हें प्रारंभ नहीं की। आज प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी के कारण परेशान है, प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी परेशान हैं, यह प्रदेश की पूरी व्यवस्था कमलनाथ जी के नेतृत्व में चरमरा गई है। यह प्रदेश जो शिवराज जी के नेतृत्व में उन्नति और विकास के रास्तों को प्रशस्त कर रहा था, आज वो दुर्गति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक साल का पूरा कार्यकाल होने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का कार्य किया है। विधायक विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार पर बजट को लेकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस एक समानांतर इकोनॉमी चला रही है, जिसकी वजह से सरकार का बजट गड़बड़ाया हुआ है। सरकार में रेवेन्यू के माध्यम से पैसा आता है, अगर शराब माफिया खनन माफिया अवैध रूप से कारोबार करेंगे तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा। कांग्रेस ने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने के लिए ये माहौल बनाया है कि खजाना खाली है। सारंग ने कहा कि ये राजा महाराजा का खजाना नहीं है, लोकतंत्र में राजस्व आता है और उस राजस्व के साथ विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। कमलनाथ सरकार ने ना तो किसानों का कर्ज माफ किया, ना कन्या विवाह की राशि दी, ना ही बेरोजगारों को रोजगार दिया। कमलनाथ सरकार ने अपने कोई भी वचन नहीं निभाए। कांग्रेस मात्र दलाली कर रही है, तबादला उद्योग चलाया जा रहा है और माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। कमलनाथ सरकार में मात्र छिंदवाड़ा का ही विकास किया जा रहा है, क्या प्रदेश केवल छिंदवाड़ा तक ही सीमित रह गया है? मैं पहले से कहता आया हूं कि मध्य प्रदेश में सरकारी बजट पर अब आप ध्यान मत दीजिए। सरकार और कांग्रेस के दलाल जो पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के कारण एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। उस समानांतर अर्थव्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। अवैध उत्खनन, तबादला उद्योग, हवाला उद्योग, शराब माफियाओं को संरक्षण और केवल भ्रष्टाचार, इसके कारण समानांतर इकोनॉमी के कारण, समानांतर अर्थव्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश की मूल अर्थव्यवस्था डिरेल हो गई है। संत हिरदाराम नगर की अग्रणी संस्थानों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई और नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया गया। संस्थानों का कहना है कि इस बिल से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीड़ित अल्पसंख्यक जो भारत में 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस बिल के पास हो जाने से पूरे देश में खुशी का माहौल है, किंतु कुछ राजनीतिक दल स्वार्थवश एवं प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान होकर बिल का विरोध कर रहे हैं। देश का माहौल कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा बिगाड़ा जा रहा है। संत नगर के सामाजिक वेबसाइट और प्रबुद्ध नागरिकों ने सीए नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में आज रैली का यहाँ पर आयोजन किया। इस रैली के माध्यम से भारत सरकार को धन्यवाद है, इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है, इस रैली के माध्यम से गृह मंत्री जी का धन्यवाद है, इस रैली के माध्यम से उन सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि किसी के कहने में बस मत चलाओ, किसी के कहने में ऑटो मत चलाओ, कानून को पढ़ो, कानून को समझो। ये कानून 47 के विभाजन में पीड़ित परिवार जो अपनी मर्जी से पाकिस्तान नहीं गए थे, वहाँ जाकर विपताओं में रहे, धर्म खोया, बेटियों की इज्जत टूटी, मठ और मंदिर टूटे, गुरुद्वारे टूटे, चर्च टूटे, बौद्ध बिहारें टूटी और सामाजिक ताना बाना टूटा। इस सब के बाद महात्मा गांधी ने ये कहा था कि ऐसे लोग जो विभाजन के कारण पाकिस्तान में चले गए हैं वो जब चाहे तब हिंदुस्तान आ सकते हैं।
रैली में जिला प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया था। रैली में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, गणमान्य नागरिक सहित महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज जी महाराज एवं स्वामी हनुमान भाऊ सहित कई संत मौजूद रहे। जगह जगह पर इस रैली का फूलों से वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं समाज सेवी संस्थानों ने नागरिक संशोधन कानून को लेकर कहा कि यह कानून सबके पक्ष में है, अगर किसी को ऐतराज है तो वह शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हिंसा उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने बिल लेकर आए, सभी को मालूम है, पूरे देश जानता है, यह बिल किसी के विरोध में नहीं है, नहीं है, केवल जो लोग पीड़ित वहाँ से दूसरे देशों से पाकिस्तान से विशेष रूप से पीड़ित लोग यहाँ पर आए, हिंदुस्तान में आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, उनका अपना देश यही है। इसलिए उनका दिल बहुत दिन से जो बहुत वर्षों से जो परेशान समाज में लोग थे, परिवार थे, उनको राहत देने के लिए मिल रहा। मेरे हिसाब से तो ये देश के हित के लिए। अब इसके अंदर अगर किसी आदमी को ये लगता है कि ये हमारे पक्ष का नहीं है या हमारे विपक्ष का है, तो पहली बात तो क्या है कि जैसे मोदी जी भी बोल रहे हैं, सरकार भी बोल रही है कि इस चीज़ को अच्छी तरीके पहले आदमी समझे, ना ये हिंदू के पक्ष का है, ना मुसलमान के पक्ष का है, ना ये विपक्ष का। सिंगरौली में नियम कानून को ताक पर रखकर शहर के बीचों बीच प्रतिबंधित रूट पर चल रहे कोयला ट्रांसपोर्ट में लगे 6 ट्रेलरों पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों को यातायात थाने में खड़ा कराया गया है। ये ट्रेलर रात का फायदा उठाते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र से कोयले का परिवहन करते हैं। यातायात की इस कार्रवाई से ट्रांसपोर्टरों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर अपने निर्धारित रूट उत्तर प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ स्थित पावर प्लांट में न जाकर बैढ़न मुख्यालय रोड से कोयले का परिवहन कर रहे थे, जहाँ वैध कागजात नहीं मिलने पर उन्हें यातायात थाने में खड़ा कराया गया है। ये जो गाड़ियाँ और जो ट्रेलर्स हैं जो रूट बदलकर चल रहे हैं, तो इनको जो निर्धारित रूट है उसका ये अनुसरण नहीं करते हैं और शॉर्ट रास्ते के कारण ये इस रूट पर आए हैं माजन मोड़ पर, तो उनको जब्त किया गया है गाड़ियों को, उनको चालान बना करके न्यायालय पेश किया जाएगा। चूंकि आज न्यायालय की छुट्टी है, आज और कल मंडे को इनको पेश किया जाएगा और तब इनका निराकरण किया जाएगा। गाड़ी विगत 2 दिनों में ऐसी तकरीबन 6 गाड़ियों पर हमने कार्रवाई की हुई है। इंदौर में जगजीत नगर स्थित 5 मंजिला हॉस्टल की अवैध इमारत को नगर निगम ने गिरा दिया। भूमाफिया ओम प्रकाश सलूजा की यह इमारत 4 से 5 सेकंड में मलबे में तब्दील हो गई। 4,000 वर्ग फीट जमीन पर बने इस हॉस्टल को तोड़ने की कार्रवाई 16 दिसंबर को की गई थी, लेकिन ऊंची इमारत के कारण काम अधूरा छोड़ना पड़ा था। इसके बाद निगम अफसरों ने विस्फोटक विशेषज्ञ की मदद लेकर विस्फोट कराकर बचे हिस्से को गिरा दिया। इस दौरान कुछ देर तक इलाके में धूल का गुबार उठा, कुछ मलबा बिल्डिंग के सामने रोड पर भी गिरा, लेकिन विस्फोट से आसपास के किसी मकान को नुकसान नहीं पहुंचा और न ही कोई हताहत हुआ। इमारत के 9 पिलर में 45 सुराख कराए गए और उनमें 4.5 किलो विस्फोटक भरकर धमाका कराया गया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।